इसमरिम दोस्तों अल्लाम तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर फाइव इन पाइथन के ऊपर पाइथन के कोर्स में पांचवी एक्सरसाइज आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें बेसिकली हम

ठीक है बहुत सिंपल सा बहुत सिंपल सादा सा प्रोग्राम है तो लेट्स बिगिन लेट्स डू दैट आ जाते हैं हम अपने वी एस कोड के अंदर यहाँ पे आके अगेन मैंने सबसे पहले न्यू फाइल बनाई और मैंने ई एक्स ई फाइव कर दिया डॉट पी वाई पाइथॉन का इसको हमने नाम दे दिया ठीक है अब मुझे करना क्या है यहाँ पे आगे आने के बाद अब मैं वॉट विल डू के कम बैक किया और मैं अपने इस को कॉपी कर लेता हूँ ये सैम्पल हमारे पास लिस्ट मौजूद है तो इस सैंपल लिस्ट को हमने पेस्ट कर दिया यहां पे ठीक है वॉट दिस सिंपल लिस्ट विल डू इसके इसको हटाई दे देते हैं तो ये हमारे पास सैंपल सी एक सादी सी लिस्ट आ गई जिसके अंदर किस्म के डेटा टाइप्स मौजूद है अब मुझे ट्रैवल्स करके पता करना है कि यार भैया इसकी डेटा टाइप हमारे पास कौन सी है तो हम सिंपली फॉर का एक आइड लगाएंगे और मैंने एक आइटम करके इंडेक्स बना दी इन हमने लूप लगा दिया और हमने कह दिया कि ये जो डेटा लिस्ट थी इसके अंदर तुम जाओ और यहां पे जाने के बाद क्या करो एक प्रिंट का मेथड लगा लेते हैं भाई कोई इशू नहीं है प्रिंट के मेथड को जाके हम क्या बताना है कि यार मुझे बताओ कि इसकी जो टाइप ऑफ जो डेटा आ, आ रहा है डेटा कौन सा आ रहा है कॉमा आइटम लगा देते हैं हम कि जो डेटा मेरे पास अभी अभी आया है आइटम का उसकी जो लिस्ट है कॉमा इक्वल्स टू इज़ इस, और इसको थोड़ा सा स्पेस दे अब असल गेम यहाँ पे आती है कि हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे टाइप का मेथड। टाइप का मेथड बाय डिफॉल्ट मौजूद है हमारे पास टाइप फंक्शन जो कि हमें किसी भी डेटा टाइप की टाइप बता देता है बहुत सिंपल बहुत सादा सी जबान हुई डेटा लिस्ट बनाई कोई भी डेटा लिस्ट आपके पास आ रही है आइटम इन डेटा लिस्ट मींस डेटा लिस्ट में जाओ एक एक आइटम उठाओ और इस आइटम वेरिएबल को असाइन कर दो एक एक एलिमेंट इसका उठाओ और इस आइटम को असाइन करो तो ये लूप ऑटोमेटिकली एक एक एलिमेंट इसको उठाता जाएगा और इस फॉर आइटम वेरिएबल के अंदर डालेगा प्रिंट में गए टाइप ऑफ कॉमा आइटम तो जो आइटम अभी, अभी अभी आया है वो आइटम यहाँ पे हमें प्रिंट करा दिया इस टाइप का मेथड यूज़ करते हुए बताया कि भजन कौन सा टाइप का मेथड आ रहा है वो यूज़ करो जब इस शहजादे को हमने एग्जीक्यूट किया ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये टाइप आ गई ऑल द वे ठीक है कि भाई जो डेटा आपने दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास 1452 था ये हमारे पास क्लास इंटीजर है दूसरा 11.24 था तो ये फ्लोट हो गया तो फर्स्ट थिंग क्या हुई ईच आइटम को हमने अलग अलग करके प्रिंट किया ठीक है उसके बाद उसी के आगे इज हमने उसकी टाइप प्रिंट करवा दी तो जहां पे कॉम्प्लेक्स था वन प्लस टू जे तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप आ गया बुलियन आ गया रिसोर्स स्ट्रिंग आ गई ट्यूपल आ गया एंड लिस्ट आ गई वगैरह वगैरह तो जितने हमने डेटा अपने लिस्ट में रखे आ गया तो ये बहुत काम में आता है डेटा प्रोसेसिंग के अंदर कि हमें पता चले कि डेटा जो मेरे पास आ रहा है वो किस टाइप का है क्या वो इंटीजर है या बाइट है कैरेक्टर है शॉर्ट है फ्लोट है कॉम्प्लेक्स है बुलियन है वगैरह वगैरह तो वेरी सिंपली यूजिंग दिस टाइप मेथड हम कर सकते हैं अगर लिस्ट में आ रहा है तो हमने लूप लगा के एक एलिमेंट को ट्राइवर्स करके प्रोसेस कर दिया उम्मीद है कि एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। इस तरह से मैं एग्जांपल्स अभी और पोस्ट करता जाऊंगा तो चैनल को जरूर फॉलो करें पाइथन मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इन और आगे भी आपको जबरदस्त किस्म के को हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो के तक के लिए फीमान्ला